तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आज तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे होंगे क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी आई है और मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहक यानी कि मोहक नारायण सुरभि राठौर के आज की अपडेट। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी तक तो कोई ज़्यादा खास अपडेट नहीं है एंड वैसे भी अभी सिर्फ पोस्टर आया है तो सुरभि मोहक ने इस पर ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। अभी जैसे जैसे टीजर एंड सॉन्ग आएगा तो इस पर सुरभि एंड मोहक दोनों का ही रिएक्शन जरूर आएगा, तो हमें उनके रिएक्शन का थोड़ा सा वेट करना होगा। तो गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कमेंट्स एंड इन्हीं कमेंट्स के बीच बीच में मैं आपको अपडेट भी देती रहूंगी एंड डिस्कशन में हमें पता चलेगा कि इन दोनों का क्या ही रिएक्शन है। आइए गाइज, देख लेते हैं आज सुबह की दोनों वीडियो के कमेंट। विभा सिंह ने कमेंट किया है, सोचने वाली बात है कि सुरभि भी आज सुबह से ही गायब है, स्नैप से और इंस्टाग्राम दोनों से कुछ स्टोरी नहीं डाला है और मोहक भी गायब है। उसने सुबह से जिम की स्टोरी डाली है स्नैप पर, वही जो कि रात को इंस्टाग्राम पर डाली थी वो भी गायब है। बहुत बहुत कंफ्यूज करने वाली बात है। फिर टीजर भी आएगा सॉन्ग का एंड फिर पूरा सॉन्ग ही आएगा, तो उस पर तो इनको बोलना ही होगा। आई होप कि कुछ ना कुछ ये जरूर बोलेंगे एंड हमारी तो होप यही है कि ये साथ में ही आ जाए उस दिन, तो और भी अच्छा होगा। एंड गाइज, इसी पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अगर हम चलेंगे तो ये दिन जल्दी ही आएगा। मैंने कमेंट किया, दी सोहक का दूसरा सॉन्ग शायद सोहक की लड़ाई की वजह से नहीं आ रहा था एंड अब जब सोहक की लड़ाई खत्म हो गई है तो सॉन्ग आएगा, वो लोग साथ में जरूर आएंगे एंड अब उनके बीच की लड़ाई भी खत्म हो गई है। तो गाइज, इसके बारे में हम सॉन्ग आने के बाद ही बात करेंगे। सोनी शाह ने कमेंट किया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू सोनी। निशा दुबे ने कमेंट किया, मैं सच में आज ही सपना देखा और आज ही सच हो गया, आई एम सो हैप्पी। तो निशा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपने सपना देखा और वो सच हो गया। निशा दुबे ने अगला कमेंट किया है, माता रानी करेगी ये हमेशा के लिए साथ आ जाए क्योंकि आई लव बोथ सो मच। तो हम सभी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जब ये साथ में होते हैं। वैसे तो हम अलग अलग भी इनको सपोर्ट करते हैं बट जब साथ में होते हैं तो हमें बहुत ही क्यूट लगते हैं। सुरेश चक्रवर्ती ने कमेंट किया, बट दी दोनों ही सोहक हैशटैग का यूज़ नहीं किए हैं। तो हाँ गाइज, इस पर भी हम सॉन्ग आने के बाद ही बात करेंगे। मस्ती विद तहाना ने कमेंट किया, फाइनली आवर सोहक इज़ बैक। किशु माली ने कमेंट किया, दिस इज अलॉट फॉर मी, बस अब सोहक साथ में इस सॉन्ग के प्रमोशन कर ले और साथ आ जाए, मुझे तो दिवाली से पहले ही दिवाली का गिफ्ट मिल गया, बस सोहक मिल जाए, टचवुड। किशु माली ने अगला कमेंट किया, आई एम सो एक्साइटेड दीदी, इट्स लाइक अ ड्रीम, लग रहा है कि अब सपना सच होने जा रहा है दी, मे बी आप बिलीव नहीं करोगे बट इस पोस्टर को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, बट अब जल्दी से 15 अक्टूबर आ जाए और सोहक साथ आ जाए। तो हम सभी के ही आंखों में आंसू आ गए थे, इवन मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे ये पोस्टर को देख कर एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती आप लोगों के साथ। नजरीना ने कमेंट किया, आई एम सो हैप्पी, इतने दिनों के बाद हमें हमारा सॉन्ग साथ में देखने को मिला है, आई एम सो सो एक्साइटेड दीदी, सॉन्ग कब आ रहा है? तो सॉन्ग 15 अक्टूबर को आ रहा है, अब बस 4 दिन ही बचे हैं। बीवादास ने कमेंट किया, बस रियल लाइफ में भी साथ हो जाए और कुछ नहीं। बीवादास ने अगला कमेंट किया है, होप एंड ट्रस्ट, तो बिल्कुल सही कहा है आपने, हमें होप रखनी होगी एंड ट्रस्ट रखना होगा कि ये साथ में आएंगे एंड हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आई होप कि पॉजिटिव चीजें होंगी। वर्षा तिवारी ने कमेंट किया है, आई एम सो एक्साइटेड, फाइनली जिस दिन का वेट कर रहे थे वो दिन आ गया, शायद इसी के साथ हमें हमारा सोहक भी मिल जाएगा, सो एक्साइटेड। अभी बमुडाई ने कमेंट किया, वी वॉन्ट टू सोहक बेक, मिस यू सोहक। किशु माली ने तीसरा कमेंट किया, दी आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द सेकेंड सॉन्ग ऑफ अवर सोहक, फाइनली वी सी अवर सोहक टुगेदर, बस अब सब ठीक हो जाए, गॉड ब्लेस अवर सोहक। टेंगा कस्मा ने कमेंट किया है, सोहक एंड दुआ वाले एंड फिंगर क्रॉस्ड वाले इमोजी शेयर किए हैं, तो गाइस फिंगर क्रॉस्ड की वो दिन आ जाए जब हम सोहक को साथ में देखें फिर से। आशिफा ने कमेंट किया, वी वॉन्ट सोहक बैक। गीतिका त्रिवेदी ने कमेंट किया है, मैं तो इतना ज्यादा खुश हूँ कि जब मैंने मोहक का ये पोस्ट देखा तो मैं सबसे पहले आपसे बताने आ गई और मैं बहुत खुश हुई, सच्ची में दी मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच गीतिका एंड काफ़ी सारे आप लोगों ने कमेंट किए थे एंड मैंने आप लोगों के वो कमेंट देखे एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मुझसे उस वीडियो में बोला तक नहीं जा रहा था, मैं पूरी शिवर कर रही थी वो पोस्टर को देखकर एंड आज के दिन हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है कि हम बता नहीं सकते। नूरियन ने कमेंट किया, आई विश दीदी कि वेट इज़ ओवर नाउ, तो बिल्कुल हम यही विश करेंगे कि हमारा वेट अब ओवर हो जाए, खत्म हो जाए एंड ये दोनों मिल जाए। एकता ने कमेंट किया है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, अब सोहक साथ जरूर आएगा, आई मिस यू सोहक, प्लीज साथ में आ जाओ, बहुत टाइम हो गया अब तो प्लीज प्लीज। पॉम्पी बर्मुडाई ने कमेंट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन सोहक। पॉम्पी बर्मुडाई ने अगला कमेंट किया, दी मुझे बहुत खुशी हो रही है, सोहक ने बहुत अच्छा न्यूज दिया है हमें, मुझे रोना आ गया है। चंद्रिका पुरोहित ने कमेंट किया है, फाइनली सोहक बेक। सपना बिष्ट ने कमेंट किया, इतनी खुशी आज तक मुझे कभी नहीं हुई, कभी 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 भी नहीं हुई। तो गाइज बिल्कुल सही कहा, पहले सॉन्ग से भी ज्यादा खुशी इस सॉन्ग की है एंड आप लोग समझ सकते हैं कि वो इतनी खुशी क्यों है। सपना बिष्ट ने अगला कमेंट किया, तभी कहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है, फाइनली माई सोहक बेक।
दीप टीके ने कमेंट किया है, सॉन्ग में साथ में देखने से क्या होता है। लकीदास अधिकारी ने कमेंट किया है, आई विश ये सॉन्ग के लिए सोहक मिल जाए। प्रीति ने कमेंट किया है, आई एम सो हैप्पी आई कांट एक्सप्रेस। बस सोहक ये कह दे कि जो भी 4-5 महीने से था ये सब प्रैंक था बस। तो हाँ गाइज, अब तो मुझे भी यही लगता है कि बस ये कह दे कि सॉन्ग के लिए इन्होंने ऐसा किया था, भले कुछ भी हो हम कुछ नहीं कहेंगे इनको, बस हमारे सोहक साथ में आ जाए। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया है, अब इन लोगों को अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए कुछ तो डालना होगा, दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ या नाम तो लेना ही होगा एक दूसरे का। बिल्कुल सही कहा आपने, एंड अब ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कैसे करेंगे हमें देखना होगा। एंड अब बस 4 दिन बचे हैं, हमें मोह के बर्थडे का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, बस इन 4 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कमेंट किया, शौक जरूर आएगा। मैंने अगला कमेंट किया, थैंक यू सो मच फॉर डेली अपडेट, थैंक यू सो मच मेरे इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। शुभी गोला ने कमेंट किया, इफ देयर ब्रेकअप हैज नॉट डन व्हाई दे अनफॉलो हैशटैग सोहक। तो इस पर भी हम सॉन्ग के आने के बाद ही बात करेंगे। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो। थैंक यू सो मच वैशाली, आपने इतनी सारी एक्साइटमेंट अपनी शेयर की हमारे साथ, थैंक यू सो मच। वैशाली तिवारी ने इमोजी शेयर की है। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया है, मैं तो वीडियो देखने से पहले ही खुश हो गई। तो हाँ गाइस, खुश होने वाली बात ही है तो हम खुश होंगे। श्रुति ने कमेंट किया, थैंक दी अपडेट वीडियो देने के लिए, थैंक तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच श्रुति कमेंट करने के लिए। श्रुति ने अगला कमेंट किया है, हाँ दी वो दिन आ गया है, सोहक कमबैक कर लिया है, फाइनली आई एम सो एक्साइटेड दीदी। एंड गाइस, अब देख लेते हैं उस कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट जो कि मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड की थी। तो पहला कमेंट है किशु माली का, सो एक्साइटेड टू सी अवर सोहक विद टुगेदर। लकीदास अधिकारी ने कमेंट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन सोहक। वैष्णवी पुंदे ने कमेंट किया है, आई एम सो एक्साइटेड। लकीदास अधिकारी ने कमेंट किया है, बहुत एक्साइटेड हूँ, कोई लिमिट नहीं है, बट मुझे लगता है कि सॉन्ग के वजह से सोहक फिर से साथ में आ जाएगा, आई होप एंड आई प्रे। तो बिल्कुल सही कहा आपने, एंड सॉन्ग से ज़्यादा हम इस बात से एक्साइटेड हैं कि क्या पता इस सॉन्ग की वजह से हमारे सोहक साथ में आ जाए। सबा खान ने कमेंट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। चंद्रिका पुरोहित ने कमेंट किया, बहुत खुश हूँ मैं फाइनली। राफिया अंजुम ने कमेंट किया, आई एम सो हैप्पी। तो हम भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। सपना बिष्ट ने कमेंट किया, इतनी खुशी आज तक कभी नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। सेंगर कस्मा ने कमेंट किया, सोहक एंड दुआ वाले इमोजीज के साथ फिंगर क्रॉस्ड वाले इमोजी शेयर किए हैं। बिल्कुल हम दुआ कर रहे हैं फिंगर क्रॉस की, ये दोनों साथ में जल्दी से आ जाए। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बता नहीं सकती, बस अब ये दोनों साथ में और दिख जाएं कैसे भी। बीवादास ने कमेंट किया है, हमें सोहक एक साथ चाहिए। रितेश ने कमेंट किया है, आई एम सो हैप्पी। अनन्या जी ने कमेंट किया है, कहा सॉन्ग का कोई इंटरव्यू आए ताकि सब क्लियर हो पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, सॉन्ग का कोई इंटरव्यू आए, चाहे भले वो मोहक एंड सुरभि अलग अलग ही थे, बट इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे कि हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती है। सूरज राठौर ने कमेंट किया है, कुछ भी कर लो दोनों को मिलाओ या तो। बिल्कुल सही, कुछ भी करो। गौरी फौजदार ने कमेंट किया, वाव दी। जाट बॉय ने इमोजी शेयर किए। प्रतीक्षा ने कमेंट किया, आज आप कमेंट वाली वीडियो अपलोड करो, सोहक वेटिंग फॉर अपलोड। तो हाँ प्रतीक्षा, मैं डेली कोशिश करती हूँ कमेंट वाली वीडियो बनाने की, एंड देखिए आज तो खुशी खुशी में मैं इतनी जल्दी कमेंट वाली वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, एंड इन कमेंट्स से मुझे पता चल पाया कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं। एंड काश सोहक भी हमारी इस फीलिंग को, इस एक्साइटमेंट को समझे, एंड जल्दी से साथ में आ जाए, यही दुआ है हमारी। एंड गाइस, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक मैंने आप सभी के लगभग हर एक कमेंट को शामिल करने की कोशिश की है दोनों वीडियो के। एंड इसके बाद जो कमेंट आएगा तो मैं कल की वीडियो में जरूर शामिल करने की कोशिश करूंगी। तो बस गाइस, अभी की वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, एंड जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं लेकर आऊंगी। सबसे पहले तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, एंड वीडियो को लाइक कर दो, एंड प्यारा सा कमेंट कर दो ताकि कल की वीडियो में आपका कमेंट को मैं शामिल कर पाऊँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।